करेंसी हर किसी के लाइफ में बहुत महत्व रखता है, पर क्या आपको यह पता है कि भारत में पहली बार करेंसी कब स्टार्ट हुई? एक समय था जब भारत में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो फिर क्यों और कैसे भारत में कागज के नोटों का प्रचलन शुरू हुआ? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन करेंसी के इतिहास की सच्चाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बेसिकली रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपया से हुई है, जिसका अर्थ चांदी होता है, और बाद में रुपया शब्द का उपयोग मुहर लगे सही आकार के सिक्कों के लिए होने लगा। और यह सिक्के भारत में 17वीं शताब्दी तक चले, लेकिन जब यूरोपियन कंपनीज भारत में आई तब उन्होंने प्राइवेट बैंक्स का निर्माण किया और तब से भारत में कागज के नोटों की शुरुआत हो गई। इंडिया की पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की। भारत की यह कागजी मुद्रा 91 सालों तक चलती रही और फिर 1861 में अंग्रेजों ने पेपर करेंसी कानून बनाया और 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपये के नोट जारी किए, जिस पर क्वीन विक्टोरिया की इमेज थी। लेकिन यह मुद्रा भारत के सभी हिस्सों में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय भारत पर अलग अलग देशों का कब्जा था, जैसे गोवा और दमन द्वीप के क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और इसीलिए वहां पुर्तगाली नोट चलते थे। आप स्क्रीन पर इस पुर्तगाली नोट को देख सकते हैं, इसमें पुर्तगाली राजा की इमेज है और इन नोटों को छापने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ अल्तेमिरानो की थी। भारत के साउथ के बहुत से क्षेत्रों पर फ्रांस का कब्जा था, जैसे कि केरल का माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल का यमन। इन सभी जगहों पर करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी फ्रांस की बैंक ऑफ इंडोसिन को दी गई थी। आप इस फ्रांस के नोट को देख सकते हैं, इस 50 रुपए के नोट पर मॉरिस ड्यूप्ले की इमेज है, जिन्होंने भारत में फ्रांसीसी शासन की स्थापना की थी। 1917-18 में हैदराबाद के निजाम को खुद की करेंसी जारी करने का अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद अपने आप को हिंदुस्तान से अलग समझता था। प्रथम विश्व युद्ध में धातु के कमी के कारण मोरबी और ध्रंगधारा के रियासतों ने कागज के करेंसी नोट जारी किए और इस करेंसी को हरवाला कहा जाता था। और उसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी धातु के कमी के कारण 36 रियासतों ने, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और मध्य प्रांतों ने सिक्कों के स्थान पर कागज के टोकन जारी किए। भारत में RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, जिसके बाद RBI को नोटों को जारी करने का अधिकार मिल गया। RBI की पहली करेंसी 5 रुपए की नोट की थी, जिस पर किंग जॉर्ज V की इमेज थी। इस नोट को 1938 में छापा गया था। उसके बाद 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद नोटों को नए तरीके से डिजाइन किया गया और 1 रुपए की यह नोट छापी गई, जिसमें किंग जॉर्ज V की जगह सारनाथ के अशोका एम्बलम की इमेज को यूज किया गया। इस इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसी के 2 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। 1949 के पहले कोई भी बैंक नेशनलाइज नहीं थी, इसीलिए फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में अपनी एक करेंसी लॉन्च की थी। उस करेंसी को आज़ाद हिंद बैंक द्वारा छापा जाता था। उन नोटों पर सुभाष जी का तस्वीर हुआ करता था, परंतु कुछ कारणों के वजह से ये नोट प्रचलन में नहीं आ पाए। मैं आपको इंडियन करेंसी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वैसे तो हर देश का अपना अपना करेंसी होता है, परंतु 1950 के दशक तक भारत के करेंसी का प्रचलन लगभग 20 अलग अलग देशों में हुआ करता था। यही नहीं, बल्कि कुवैत, कतार, बहरीन और ओमान जैसे देशों में भारत के करेंसी को ऑफिशियल करेंसी का दर्जा प्राप्त था। इंडिया की नोटों पर छापे जाने वाली तस्वीरें समय के साथ साथ बदलते हुए गांधी जी के मुस्कुराते हुए इस तस्वीर पर जा पहुंची। यह तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन में ली गई थी, जिसमें गांधी जी फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ खड़े थे। इस तस्वीर को 1987 में पहली बार 500 रुपए के नोट पर छापा गया था और फिर
1996 में RBI ने इसे ट्रेडमार्क बनाते हुए सभी नोटों पर छापना शुरू किया। अगर इन नोटों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इन नोटों पर टोटल 17 भाषाओं में डिनोमिनेशन लिखा होता है और एक रुपए को छोड़कर हमारे सारे नोटों पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब आप ये सोचोगे तो फिर एक रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो इसका जवाब यह है कि एक रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, क्योंकि ये नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है। ये तो हुए इंडियन करेंसी के डिटेल्स। अब हम जानेंगे ऐसी घटना के बारे में जिससे पूरा देश हिल गया था। 8 नवंबर 2016 की रात भारत में डीमोनेटाइजेशन किया गया। पर क्या आपको यह पता है, भारत में पहला डीमोनेटाइजेशन 1946 में और आजाद भारत में 1978 में हुआ था। इन दोनों डीमोनेटाइजेशन का लक्ष्य 10,000 के नोटों को बंद करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था। इसी प्रकार भारत में कई बार नोटों में चेंजेस किए गए। उसी के साथ साथ नोटों पर के इमेजेस भी चेंज हुए, कभी किसी इवेंट को डेडिकेट करते हुए तो कभी किसी इवेंट से इंस्पायर होकर। उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा इंडियन करेंसी के बारे में आपके पास और कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thank you.